हिमाचल के पहाड़ों पर जिधर भी नजर घुमाएंगे उधर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ रखी हो। पहाड़ों में जमकर बर्फबारी हुई तो व्यापारियों के चेहरे खिल उठे क्योंकि नए साल का आगाज होने वाला है। ऐसे में सैलानियों का भी से जमावड़ा लगने लगा है, वो इसका जमकर लुत्फ उठा रहे। वही व्यापारियों को भी उनकी आमदनी बढ़ने की उम्मीद है। के बाद सोलांग में, और ये अब तक का मेरी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस है। आप देख सकते हो चारों तरफ स्नो ही स्नो है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, एक नंबर चीज़ है बिल्कुल। हमने यहाँ पे अभी करा वो ट्यूब में से स्लाइड होता है, ट्यूब में बिठा देते हैं, पूरा स्लाइड करते हैं, वो बहुत मज़ा आया उसका। जब से स्नोफॉल हुआ है यहाँ से तब से टूरिस्ट स्पॉट बढ़ चुका है और लोकल बिजनेस जो टूरिज्म के ऊपर यहाँ पे डिपेंड है वो भी अच्छा खासा बढ़ चुका है। तो टूरिस्ट जितने भी आ रहे हैं वो सेटिस्फाइड होके जा रहे हैं यहाँ से एडवेंचर एक्टिविटीज करके। हालांकि एक तरफ बर्फबारी से व्यापारी खुश हैं तो स्थानीय लोगों की मुसीबत बढ़ गई है क्योंकि बर्फबारी की वजह से जगह जगह रास्ते प्रभावित हैं, तो कई इलाकों में तापमान माइनस में पहुंच चुका है। लाहौल स्पीति -16 डिग्री सेल्सियस, मनाली -2.8 डिग्री, कुल्लू -0.8 डिग्री, कुफरी -1 डिग्री, किन्नौर -5 डिग्री, धर्मशाला 2.6 डिग्री, शिमला 2.5 डिग्री। पिछले 24 घंटों में हिमाचल के कई जिलों में रिकॉर्ड तोड़ तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, तो वहीं इससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। 3 दिन पहले जो यहाँ पे बर्फबारी हुई है इससे बहुत ज्यादा ठंड पड़ गई है और हमें जो है बहुत दिक्कत आ रही है यहाँ पे काम करने में भी। बस थोड़ा आग उग जला के हम अपना गुजारा करते हैं यहाँ पे, पर बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पे सर। हालांकि ये बर्फबारी व्यापारियों से लेकर बागवानों के लिए बेहतर है, लेकिन दुर्गम इलाकों में ये सफेद आफत साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।